हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो स्पीति टूर की, वाइट स्पीति, विंटर स्पीति टूर की, क्योंकि गाइस आपका बहुत ही ढेर सारा प्यार मिला है मुझे इस पूरी सीरीज़ पे। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख ले, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा तो प्लेलिस्ट का, तो आप पूरी सीरीज़ देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत एडवेंचर किया हमने पूरे जगह, नाकों में तो हम फंस गए थे एक दिन, क्योंकि स्नो स्टॉर्म आ गया था तो पूरा एक दिन वहाँ हम फंसे रहे थे। जो हमारी हालत बुरी हुई थी मैं बता नहीं सकता। हमारे तो सभी भाई लोग डर गए थे, कह रहे हैं भाई यहीं से वापस चलना है कल सुबह, जैसे मौसम हुआ हम तो निकल जाएंगे वापसी, हमने आगे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उनको हिम्मत बंधाई और अगले दिन हम गए काजा और वहाँ पे खूब मज़ा किया और भाई सारे खुश हो के आए। यार कोई नहीं, जो देखना था, एक्सपीरियंस करना था एडवेंचर का, वो हो गया है। तो बहुत सारे मैसेज आए आप लोगों के कि भाई इस आपका खर्चा कितना आया है, आपका पेट्रोल कितना लगा, आपकी जिमनी ने क्या परफॉर्मेंस किया, कहीं स्किड तो नहीं हुई, आपको स्नो चेन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। तो ये ढेर सारे सवाल आपने पूछे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। तो बने रहना है इस वीडियो में आखिर तक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल गुड्स की जो आपको लेके जानी है विंटर स्पीति में। अगर आने वाला समय है लद्दाख का तो उसमें भी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही जो रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की। तो आप लद्दाख जाना चाहते हैं या स्पीति जाना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, ये जो सामान आपको लेके जाना है कंपलसरी है, वरना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जो हमने फेस करी है प्रॉब्लम्स, वो आपको दिक्कत ना हो। तो सारी बात करेंगे आपसे जिमनी के बारे में, जिमनी की माइलेज के बारे में, जिमनी में पेट्रोल कितना खर्च हुआ है, परफॉर्मेंस कैसी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने स्नो में मैं अपनी जिमनी चलाई है। आज तक मुझे ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है स्नो का, और मैंने फर्स्ट टाइम जिमनी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार स्नो में चला रहा हूँ अपनी जिमनी को। तो एक टूर में कितना एक्सपेंस खर्चा आता है विंटर स्पीति का, ये भी बात करेंगे। प्लस बात करेंगे सारे जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसेंशियल थिंग्स टू कैरी टू विंटर स्पीति लद्दाख, कोई भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। तो बात करते हैं, तो हम शुरू करते हैं हेड से नीचे टो तक। सबसे पहले हेड की बात करेंगे तो हमें कैप चाहिए, गर्म वार्म कैप चाहिए भाई, नहीं तो सबसे ज़्यादा आपको पता है गर्मी है अपने सर से निकलती है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको कैप चाहिए। उसके बाद आपके गले के लिए मफलर चाहिए, आपको गॉगल्स चाहिए। गॉगल्स तो इतना एसेंशियल है, नहीं तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि जो स्नो होती है उससे आपकी रेटिना डैमेज करता है। जो स्नो होती है डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन होता है उससे आपके रेटिना डैमेज होते हैं, तो एक गॉगल तो आपको लेके जाना ही जाना है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो गॉगल के बाद हम बात करेंगे हमारा जो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे सनस्क्रीन आपको चाहिए जिसमें मोर देन 30-40 SPF वाला जो सनस्क्रीन होता है वो चाहिए होगा, ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। उसके अलावा वाइट पेट्रोलियम जेली चाहिए, आपको लिप गार्ड चाहिए। लिप गार्ड हमारे जब हम काजा पहुँचे हैं तो तब तक हमारे होठ इतने बुरे हाल हो गए, इतने क्रैक्स आ गए, फट गए थे हमारे होठ। -29 डिग्री -30 डिग्री में हम घूम रहे हैं तो हमारे पूरे होठ बिल्कुल फट गए थे। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमें वाइट पेट्रोलियम जेली या लिप गार्ड चाहिए ही चाहिए, आपको ये ज़रूर साथ में कैरी करना है। नीचे आ जाते हैं क्लोथ्स के बारे में, आपको कम से कम 4 लेयर क्लोथ लेके जानी है, आपको पहननी है वहाँ पे काजा में। एक तो वार्मर, उसके अलावा आप स्वेट शर्ट पहन सकते हैं, अंदर स्वेटर, हाफ बाजू की स्वेटर पहन सकते हैं, ऊपर से एक जैकेट पहन सकते हैं। तो 4 लेयर तो मिनिमम चाहिए आपको विंटर स्पीति के लिए। इन क्लोथ्स के बाद आपको चाहिए रेनकोट, क्योंकि स्नोफॉल में आप फंस सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, तो उस केस में बहुत बुरा हाल हो जाता है अगर आपके पास रेनकोट नहीं है। तो रेनकोट ज़रूर रखें अपने साथ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर हम जैसे विंटर स्पीति जा रहे हैं, किसी भी माउंटेन पे जा रहे हैं, जैसे 8000 फीट के अबव हम जैसे चढ़ने लगते हैं,
तो हमें AMS अटैक करने लगता है। AMS क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की शरीर में कमी होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है माउंटेन्स पे। और AMS मोस्टली हर आदमी ने झेला होगा जो भी माउंटेन पे गया है, तो उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इलाज है रेस्ट। आप कहीं भी माउंट में जाएं, एक दिन पक्का रेस्ट करें और उसके नेक्स्ट डे ही आप आगे जाएं। और उसके लिए, काउंटर करने के लिए आपको सबसे बड़ा हथियार है आपको पानी। एक 1 लीटर की जो वाटर बॉटल है या थर्मस है वो लेके जाएं, ताकि उसमें पानी गर्म रहे। आप पानी गर्म पीते रहें और एक दिन में कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है माउंटेन के अंदर, अगर आपको AMS नहीं झेलना। पानी पीते रहेंगे तो आपको बिल्कुल AMS नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके साथ साथ एक ORS के पैकेट आते हैं इलेक्ट्रोल के, वो भी 4-5 पैकेट आप साथ में ले कर जरूर जाएँ। इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी को पावर देगी, एनर्जी देगी आपको। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो पानी में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के पियेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो पानी बहुत एसेंशियल है, आपकी थर्मस 1 लीटर की बहुत एसेंशियल है। कुछ लेके ना जाओ, एक पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखो और पानी पीते रहो कभी भी आप माउंटेन हिल्स में जा रहे हैं तो। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो मेडिकल किट की, एक छोटी सी आप मेडिकल किट तैयार करना, जिसमें कैरेट बैंडेज हो, पट्टी हो और कॉटन हो, सिप्लाडीन वगैरह बिटाडीन हो, एमरजेंसी में काम करने के लिए आपको पट्टी पुट्टी करनी हो, और जो थोड़ी बहुत मेडिसिन है बुखार की, आपकी जुखाम की, लूज मोशन की, वोमिटिंग। आप माउंटेन में जाते हैं तो आपको वोमिट फील, नौसिया वगैरह होता है, तो उसके लिए आप टेबलेट साथ में रखें। और सबसे बड़ी मैं AMS की मेडिसिन बता देता हूँ, डायमॉक्स टैबलेट। आपको पता ही होगा जो माउंटेन में जाते रहते हैं, डायमॉक्स ज़रूर रखें अपने साथ में। अगर जैसे पानी से भी नहीं आपका AMS ठीक हो रहा है, तो हेडेक हो रहा है, उसमें आप 1 लीटर में 1 डिस्प्रिन डाल के आप पी लें, 2-3 घंटे में आपका हेडेक वगैरह सब ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, तो डायमॉक्स आप टैबलेट ले लें आधी गोली सुबह शाम 12 घंटे के अंतर पे, जो भी 2-3 दिन आप रहते हैं। तो ये आपकी डोज भी मैंने बता दी है, तो डायमॉक्स ज़रूर अपने फर्स्ट एड किट में साथ में ज़रूर रखें। ये मेडिसिन का एक छोटा सा आप बना लेना अपना एक किट। मेडिसिन किट के अलावा मैं आपकी जो व्हीकल के बारे में बता दूँ, व्हीकल में क्या क्या एसेंशियल सामान चाहिए होता है। जैसे स्नो चैन आप ज़रूर रखें, आपकी 2-व्हील ड्राइव है, 4-व्हील ड्राइव है, तो उसमें आप एक टायर की कम से कम स्नो चेन ज़रूर रखें। अगर आप इस हार्श वेदर में जा रहे हैं जिसमें पूरी स्नो आपको 2-2-3-3 फुट स्नो मिलने वाली है रोड के ऊपर, हमें तो बड़ी दिक्कत हुई थी जब हम नाकों में फंस गए थे। अगर हमारे पास स्नो चेन होती तो हम रुकते नहीं, हम निकल जाते किसी भी तरह, लेकिन स्नो चेन नहीं थी, इस वजह से हम सेफ्टी पर्पस हमें जाने भी नहीं दिया वहाँ पे आगे। अगर स्नो चेन होती तो हम निकल जाते हैं आगे फिर, तो स्नो चेन ज़रूर रखना, फिर फंसोगे नहीं कहीं पर, ये कॉन्फिडेंस रहेगा स्नो चेन के बाद कि यार गाड़ी कहीं स्लिप नहीं मारेगी ये वगैरह। और इसके साथ आप एक इन्फ्लेटर ज़रूर रखना अपनी गाड़ी में, एक पंचर किट ज़रूर रखना। इन्फ्लेटर का काम ये होगा कि आपको कहीं भी हवा कम करनी पड़ेगी, कहीं पे जहाँ पे ब्लैक आइस वगैरह होगी, हवा कम कर दोगे गाड़ी की तो वापसी में फिर आपको हवा दोबारा रिफिल करानी पड़ती है, तो आपके पास इन्फ्लेटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो अपनी 4-व्हीलर के साथ होनी चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट में आपके आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आप अपने ID जरूर साथ रखें, ये चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं। तो अब हम अपने टूर के बारे में बात कर लेते हैं कि आइटनरी क्या होनी चाहिए, कितने दिन की होनी चाहिए विंटर स्पीति के लिए। अगर आप 4-व्हीलर पे जा रहे हैं, तो जिमनी में जा रहे हैं या अपनी 2-व्हील ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मिनिमम आपको 5 डेज चाहिए सर विंटर स्पीति कम्प्लीट करने के लिए। हमने 6 दिन में कंप्लीट करी है, 1 दिन हमारा ख़राब हो गया था, हम नाकों में 1 दिन फंस गए थे। अगर वहाँ फंसे ना होते तो हम 5 दिन में आराम से बढ़िया पूरा ट्रिप करके, हम एक्सप्लोर करके पूरा जो काजा को एक्सप्लोर करके हम आ जाते आराम से। आपके पास समय कम है, 5 दिन है, तो आप 5 दिन में पूरा करके आ सकते हैं। फर्स्ट डे आप नारकंडा लगा दो, सेकेंड डे आप कल्पा के आसपास लगा दो, थर्ड डे आप सीधा काजा पहुंच जाओगे।
चौथा दिन है, वो चौथा दिन में आप सुबह 8-9 बजे निकल जाओ और वहाँ पे आप हिकिम एक्सप्लोर करो, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, फिर लांगजा जो बुद्धा स्टैचू है, और इसके बाद आप आ जाओ की मेनोस्टी देखने, उसके बाद चीचम ब्रिज है वहाँ पे चले जाओ, किब्बर जो वाइल्ड लाइफ मोनेस्ट्री है वो आप देखो। 3 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, 2 या 3 बजे तक, 2-3 बजे वहाँ से निकल लो काजा से वापसी की तरफ, जहाँ से मैक्सिमम आप पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचो। 3 बजे निकले वापसी के लिए और वहाँ से हम पहुँचे रिकांगपियो रात को 10 बजे, और रोड बिल्कुल बढ़िया कंडीशन थी और कहीं भी कोई मतलब कि रोड कहीं भी ख़राब नहीं है, बहुत मस्त पैच है रिकांगपियो तक। रिकांगपियो से और जो रामपुर का पैच है वो ख़राब मिलेगा आपको, बहुत लैंडस्लाइड जोन है ये पूरी, और कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी आपको मिलेगी इस रूट पे। तो रिकांगपियो पहुंच जाएंगे तो आप 5वें दिन नेक्स्ट डे सुबह जल्दी निकलो, आप 5-6 बजे 6 बजे निकलो, 7 बजे निकलो, तो रात को 10-11 बजे तक अपना दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये दिल्ली टू काजा, काजा टू दिल्ली का मैंने आइटनरी बता दी है आपको। तो 5 दिन 26 घंटा है, और अगर आपके पास समय ज़्यादा है 6 दिन 7 दिन 8 दिन तो आराम से आप 2 दिन काजा लगाओ, 3 दिन लगाओ, नाको भी रुको, नाको को एक्सप्लोर करो, चितकुल को एक्सप्लोर करो, तो वो समय के ऊपर डिपेंड है आपको। तो ये हमारी आइटनरी मैंने आपको बता दी है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख के दे दूँगा, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर लेना। और जितने भी होम स्टेज हैं मैं रुका हूँ उस सब का डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर लेना होम स्टे जितने भी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर और कौन सा बढ़िया होम स्टे हम जहाँ रुके थे, तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो अब बात करते हैं हमारा जो जिमनी ने कितना पेट्रोल यूज़ किया, तो हमारा लगभग 15,000 का पेट्रोल यूज़ हुआ है दिल्ली टू काजा, काजा टू दिल्ली, और काजा में हमने एक्सप्लोर कर रहे थे 5-6 पॉइंट जो हम गए थे, तो 15,000 का हमारा पेट्रोल लग गया था, और पेट्रोल की भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और पहले लास्ट पॉइंट पे मिलता था, उसके बाद 200-300 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, लेकिन अब रिकांगपियो में भी है पेट्रोल पंप, और लास्ट पेट्रोल पंप है पू में, और पू से जस्ट 150-200 किलोमीटर रहता है काजा, तो उससे पहले आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो पेट्रोल की कहीं भी दिक्कत नहीं, कोई कैन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पेट्रोल पंप आपको अब हर जगह मिल जाएगा। अब वो पहले वाली बात, 19 में गया था तो बहुत दिक्कत होती थी, तो हम जेरी कैन लेके गए थे, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको, 100-150 किलोमीटर के रेंज में सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे रास्ते में। तो ये क्वेश्चन भी मेरे से कईयों ने पूछा था मेरे यूट्यूब पे। तो 15,000 का हमारा पेट्रोल लगा है, और होटल का हमारा लगभग 12-13,000 का खर्चा आया है 5 दिन का, हम बजट होटल में ही जाता रुके थे, और अराउंड हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है इस टूर का हम 4 लोगों का लगभग, अपना जो कोटा फालतू खर्चा हटा दें जैसे लिखकर रुक कर वो हटा दें, तो टोटल 40,000 रुपये का हमारा खर्चा आया है। तो हम 4 लोग गए थे, तो पर पर्सन हमारा 10,000 रुपये पर हेड हमारा खर्चा आया है, बहुत ही इकोनॉमिकल हमें पड़ा है ये टूर। उसके अलावा आप मैक्सिमम जितना मर्जी खर्चा करो वो आप पे डिपेंड है, आप कितना लग्जरी आपने रहना या नहीं रहना वो आप पे डिपेंड होता है। तो आप बजट में जाना चाहते हैं, अगर 2 या 3 लोग भी जाते हैं तो आपके 10-15,000 मैक्सिमम आएगा अपनी 4-व्हीलर में, जिमनी में अगर जाते हैं तो। तो परफॉर्मेंस की अब बात कर लेते हैं, जिमनी के कैसे परफॉर्मेंस किया, तो परफॉर्मेंस वाइज तो जिमनी ने यार 1 नंबर काम किया है। ब्लैक आइस पे भी मैंने अपनी जिमनी चलाई है, और जैसे 2-3 फुट बर्फ़ थी उस पे भी मैंने जिमनी चलाई है फर्स्ट टाइम, और 4H मैंने लगाया, 4 लो मैंने लगाया, और वो लगाया मैंने जब हिकिम से लांगजा की तरफ हम जा रहे थे, और वो 15-16,000 फीट की हाइट पे थे हम, पूरी 2-3 फुट की बर्फ़ थी, और आगे कोई भी गाड़ी की निशान नहीं थे, हमारी फर्स्ट गाड़ी हमारी थी, और पहाड़ की ऐसे ढलान थी, गूगल के सहारे जा रहे थे क्योंकि रास्ता हमें नहीं दिख रहा था, और वहाँ पे गाड़ी बीच में फंस रही थी, चल रही थी, तो 4H तो मैं लगा ही रखा था कि 4H भी फंस गया तो 4L लगाना पड़ा, तो 4L लगा के थोड़े आगे पीछे करके निकल गई थी, एक जगह ही मेरी बस ऊपर फंसी थी और कहीं मेरी जिमनी कहीं नहीं फंसी थी। और मैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, मुझे अभी 2 महीने हुए हैं जिमनी को लिए हुए,
जिसमें मैंने अभी थार रेगिस्तान में भी मैंने अपने सफारी करी है, जिमनी को लेकर रेगिस्तान में मैंने गाड़ी चला ली है, स्नो के अंदर मैंने फुल स्नो के अंदर अपनी जिमनी चला ली है, फुल पैसा वसूल हमारी जिमनी ने करा दिया है मेरे को। अब बहुत ही मतलब कि एक्सपीरियंस हो गया है। नेक्स्ट जो बिग ट्रिप होगा हमारा लद्दाख का होगा, जंस्कार का होगा। जंस्कार टेरेन इज बहुत ही मतलब कि ऑफ रोडिंग टेरेन है, बिल्कुल जो स्टीप चढ़ाई है उसमें स्टीप ढलान है, छोटी छोटी मतलब कि संकरी सड़कें हैं, रोड है, तो बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है। वो सीरीज जरूर देखना, उससे पहले काफ़ी मतलब कि हमारी और भी टूर आएंगे, वो भी देखना आप जरूर। मोस्टली मैंने सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत ही जबरदस्त टूर रहा, आप ज़रूर देखना हमारे इस पूरे वीडियो को। जितने भी ये जो स्पीति विंटर स्पीति की मेरी 7 एपिसोड बने हैं, वो सारे एपिसोड देखना, मज़ा आएगा आपको। मैं आई बटन में सभी का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो कोई भी क्वारी हो, कुछ भी इसके अलावा आपको जानना है, पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट अपना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है jat_on_wheel, not wheels। तो उस पर आप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप यूट्यूब मेरे चैनल जाट ऑन व्हील्स पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई करूँगा। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।